कानपुर देहात पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने मुठभेड़ में दो शातिर अपराधियों को किया गिरफ्तार। दोनों अपराधियों पर 15,000 रुपए इनाम पुलिस अधीक्षक ने किया था घोषित। बता दें कि 15 तारीख की रात को अवैध कटान के लिए ले जा रहे गौवंशों की सूचना पर पुलिस की छापेमारी में हुए थे फरार। वहीं मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। वहीं अपराधियों के पास से दो अवैध तमंचा व कारतूस बरामद किए गए। देखिए, आप सभी लोगों को विदित है कि 15-16 जो उस दिन रात्रि को जो हमने 55 गोवंश को बचाए थे, उसमें 3 अभियुक्त गण थाना शिवली क्षेत्र में हमने पकड़ लिए थे। उसी में 2 और अभियुक्त जो अंधेरे का फायदा उठाते उस दिन भाग गए थे, उनके ऊपर हमने तुरंत, क्योंकि मामले का गंभीरता को लेते हुए 15,000 इनाम हमने घोषित किया दोनों वांछित के ऊपर। उनको कल रात को ये जो थाना शिवली क्षेत्र में गांव है बन्नापुरवा गांव के यहाँ अंशिका पंप के यहाँ उनको हमने मुठभेड़ में दबोचा है। और इनका नाम जो है, एक का नाम है राजू पुत्र बिहारी और विजय सिंह पुत्र लक्का, दोनों राजस्थान के निवासी हैं। और मौके से इनसे हमने 2 तमंचे 315 बोर के, 2 जिंदा कारतूस 315 बोर के और 1 कोका कारतूस भी हमने बरामद कर लिया। क्या पुलिस पूछताछ में मालूम चला है कि किस तरीके से कहां ले जाते थे क्या? देखिए, अभी तो फिलहाल पूछताछ अभी भी चल रही है, और लेकिन जितना हमें पता चला है कि इन दोनों से जब कड़ी पूछताछ हमने की है तो इनका कहना है कि ये अलग अलग जगह से, जैसे जो हमारे देहात एरिया होते हैं वहाँ से ये जो गोवंश हैं हमारे उनको मतलब ले जाते हैं और कटान हेतु ले जाते हैं और वहाँ पे काटते हैं। तो इनको हमने बीच में ही इंटरसेप्ट करके इनको हमने जो पहले 3 अभियुक्त थे उनको पकड़ लिया, बाकी कल शाम को मुठभेड़ में दोनों को दबोचा। सर, पुलिसकर्मियों को इनाम भी दिया जा रहा है? फिलहाल जो टीम है उनको तो अभी प्रशस्ति पत्र में दे रहा हूँ, बाकी इनाम के बारे में एक बार हमारे IG रेंज सर से भी डिस्कस करके फिर इनाम घोषित करूँगा। ठीक।